गैंगस्टर आयुब खान। అయితే ఇటీవల కాలంలో జైలు నుంచి విడుదలై బయటికి వచ్చి జనజీవన సంస్థలో కలిసిపోయారు. చాలా ఏళ్ల నుంచి కూడా మీడియాకు దూరంగానే ఉన్నాడు. అటు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించిన తర్వాత తిరిగి బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మీడియాకు దొరకలేదు, చిక్కలేదు. కానీ మొదటిసారి ఆయుబ్ ఖాన్ మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. సార్ నమస్తే. నమస్తే సార్. సార్ ఆకు గ్యాంగ్స్టర్ బోల్కే క్యూ బోల్తే? గ్యాంగ్స్టర్ మే పెహలే థా, అబ్ గ్యాంగ్స్టర్ నీ హూ. 10 సాల్ సే మై సో ఫీల్డ్ సే దూర్ హూ. 10-15 సాల్ సే యే ఫీల్డ్ మే నీ హూ. क्या वजह से बोले? कुछ दोस्तों की वजह से, सोबत की वजह से, जो नाम बदनाम हो जाता तो उसको गैंगस्टर बना दिया जाता है. सोसाइटी में कुछ छोटी सर की चीज़ को बड़ा बना के बताते लोग, उस वजह से गैंगस्टर का नाम आ गया. वैसे पूरा आप ऐसा काम करें क्या? गैंगस्टर का कैसा करते हैं वो, तो वैसा काम करें ना क्या? वैसा काम कभी भी नहीं करा मैं. क्यों? मैं तो आप यहाँ पे जितना भी ओल्ड सिटी में जितने भी लोग हैं आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे बारे में. मेरे तरफ से कोई आदमी को तकलीफ़ नहीं है. कोई गैंगस्टर तरीके से मैं यूज़ नहीं करा कभी. जैसा कि लोग जो गैंगस्टर बोलते हैं वो मामूल वगैरह वसूल करने वालों गैंगस्टर बोलते. मैं कभी किसी से मामूल नहीं लिया. ऐसा धंधा कुछ भी नहीं? कोई तो कोई धंधा नहीं. मैं कोई जुआ सट्टा शराब का कारोबार या क्रिकेट बेटिंग ये सब कामों में नहीं हूँ. गैंगस्टर का काम क्या रहता? गांजा बेचना. गैंगस्टर का मतलब क्या है? उन्हें क्रिकेट की बेटिंग लगाना. उससे लोगों का फ्यूचर ख़राब होता, नौजवान बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता. तो इस वजह से वो चीज़ सब चीज़ों से मैं बाहर नहीं हूँ. मैं मेरे को नाम दे दिया गया गैंगस्टर का. गैंगस्टर नहीं हूँ मैं. असल देखा जाए तो मैं सोशल वर्कर हूँ. लोगों की मदद करना मेरा काम है. कोई गरीब है, बेवा है, यतीम है, उनका काम का मदद करना मेरा काम है. वो तो गैंगस्टर का नाम एंजॉय करें, नहीं तो कभी भी ऐसा कोई लोग गैंगस्टर बोल के पूछे तो आप गुस्सा करते? नहीं, गुस्से की बात नहीं है. आप जिसका दिल जो बोला वो बोल सकता. कोई आदमी के ये नहीं बोल सकते अपन कि आप मेरे को गैंगस्टर नक्को बोलो या मेरे को पहलवान मत बोलो. नहीं बोल सकते. उनकी खुशी की बात है, जो बोलना है उन्होंने बोल सकते. अगर मेरे में अच्छाई दिख रही तो मेरे बारे में अच्छा बोलो. गैंगस्टर नहीं बोल के अयूब खान सोशल वर्कर बोल सकते, अयूब खान बोल सकते, अयूब पहलवान बोल सकते. कई ऊपर तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ. मेरा जिम है. मैं शुरू से बचपने से मैं बॉडी बिल्डिंग में उसमें हूँ. पूरा आपको बुरा लोग तो गैंगस्टर बोलते हैं, फैमिली वालों तो कैसा रहता है? तो फैमिली से गैंगस्टर बोल तो उससे मैसेज अच्छा नहीं जाता. वो मेरे बच्चे है जो मेरे को जो फैमिली है मेरी, मेरे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं. क्या एक बच्चा ला कर रहा, एक बच्चा BBI करे हुआ है, एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा और छोटे बच्चे हैं मेरे वो जो स्कूल को जाते हैं. उससे गैंगस्टर बोल तो बैड नेम आता. वो फिल्मों में अच्छा दिखता, वो हकीकत में अच्छा नहीं है. पूरा अभी जेल जाके बाहर आया, अभी कैसा जी रहे, क्या है? मैं जो पासपोर्ट के केस में गया था वो असल में दुबई में अच्छी ज़िंदगी गुजारने कैसे गया था. ये नाम ख़त्म हो जाना, ये गैंगस्टर वो ये सब ख़त्म होना. वहाँ बिजनेस करा था मैं दुबई में. कोई ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहा था. मैं दुबई में बिजनेस कर रहा था, राइस शुगर वगैरह उसका बिजनेस कर रहा था मैं वहाँ दुबई में. पूरा ये छोड़ के, हैदराबाद को छोड़ के पूरा दुबई जाना, वो तो अच्छा तरीके से जाना जा सकते हैं ना. पूरा फेक पासपोर्ट क्यों करना? फेक पासपोर्ट नहीं है वो मेरा. उसके अंदर फादर नेम लिखने में गलत हो गया, उस वजह से उसको फेक पासपोर्ट बना दिया गया है. मेरा नाम अयूब खान के पासपोर्ट से गया मैं, कोई दूसरा नाम नहीं है. मेरा नाम में फादर नेम में चेंज हो गया वो थोड़ा. वो तो वो ना बोल के इंटेंशन नहीं करा, नहीं तो वो पासपोर्ट बनाने वाले की गलती है. वो नाम लिखने में गलत कर दिया. वो तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी वैसे ही करें ना. मेरे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, इस वजह से मैं फादर नेम नहीं पढ़ सका. वो तो कैसा अभी दुबई जाके क्या करना था? मैं बिजनेस की वजह से गया था, बिजनेस करने की वजह से वहाँ पे. फूड का बिजनेस करने की वजह से गया था. मैं फूड का बिजनेस करा, मेरी कंपनी थी दुबई में फूड की, क्या राइस वगैरह चावल शुगर ऑयल ये बिजनेस करा मैं वहाँ पे. तो पुलिस का लिस्ट में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, वो क्रिमिनल पकड़ने के टाइम पे आप तो दुबई गया जी. वो तो दुबई जाके फिर हैदराबाद छुपा छुपा के आ गया बोल के बोलते? नहीं, मोस्ट वांटेड नहीं था मैं. जब क्लियरिश था क्लियरिश में गया मैं. मोस्ट वांटेड में नहीं गया. कुछ केस मेरे पैसे नहीं थे जिसकी वजह से कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, उस वजह से नहीं गया मैं. मैं क्लियर था इस वजह से गया. अच्छा से बोल के जा सकते हैं ना फिर? वो तो खाली वजह से आपको जेल के जाके आया ना, वो तो फेक पासपोर्ट में. जियो जियो नहीं, खाली वजह से इस वजह से बोल के इस वजह से नहीं जा सकते. कोई भी ये फील्ड में जो भी है रोडिज्म में या कुछ भी जिसके ऊपर भी नाम आ जाता, एक केस में भी अगर आदमी रहा तो उसको पासपोर्ट बनना मुश्किल है. पासपोर्ट बनने के वास्ते मुश्किल है. और पुलिस जाने नहीं जाने नको जाओ बोलते ना, बाहर नहीं जा सकते कोई भी.
आपका फर्स्ट टाइम तो पुलिस वाला केस लगाया तो एक इश्यू में गया, वो टाइम पे सुधर से तो अच्छा से अच्छा जिंदगी जीने के लिए अच्छा रूस पे गए तो इतना तक यहाँ तक आया थे ना। मैं उस टाइम पे भी फॉल्स केस में गया था। क्या है? मेरा एक दोस्त है, उनका इंतकाल हो गया, उनका नाम मिनाज भाई था, 307 केस में मैं एक जिम में झगड़ा हो गया था, उस वजह से गया था, संगात उनके था बोल के जब केस बुक करें। उसके बाद से ये फील्ड में आना पड़ा। आदमी जब जेल को जाता तो उन्हें खुद ब खुद ही बिगड़ जाता, ख़राब हो जाता, जेल को जाने से अच्छा नहीं होता। अगर जो भी बच्चे घटते या करते उनको यहाँ पे काउंसलिंग करके अगर छोड़ दिए तो उन ख़राब नहीं होते। जेल को जाने के बाद में वहाँ पर सोबत अच्छी नहीं मिलती, कोई रोडिज़म मिलता, अगर कोई दूसरी फील्ड का तो दूसरी फील्ड उसको ज़्यादा मिलती जेल में। तो ओल्ड सिटी पे पूरा ऐसा ही रहता है ना, पूरा ज़्यादा करता एक एक गलती काम करे तो वही रास्ते पे चलता, वो रास्ते पे चलते रहता उसको। उसकी वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम, क्या उसके बच्चों को प्रॉब्लम, घर में खाने का प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम आया था सब चीज़ से। अब बच्चे बड़े हो गए और बच्चों के वास्ते पढ़ने के वास्ते लिखने के वास्ते हर चीज़ के वास्ते पैसा चाहिए। अगर बिजनेस रहा अपना बिजनेस करते रहे तो ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये फील्ड में आने के बाद में अगर आप जेल को जाएंगे तो आपके बच्चों का प्रॉब्लम आता, बच्चों का पूरा अपना घर पूरा ख़राब हो जाता। तो आपका फादर तो एक सर्विस में, एक सर्विस में एक अच्छा से जी सकते हैं, मगर तो ये लाइफ में क्यों है, क्यों आया? फ्रेंडशिप दोस्तों की वजह से आ गया। अच्छा, आपका माँ मना नहीं करे ने तो आपका माँ? नहीं नहीं, वालदा बहुत बोलते थे। वालिद का मेरा बचपन में डेट हो गया, जब चाइना की जंग में आए थे, जंग लड़के आए थे मेरे फादर, तो उन्होंने ज़ख्मी हो गए थे, तो उसकी वजह से कुछ बीमार हो गए। 84 में डेट होगा मेरे वालिद का। तो घर पे कोई बोलने वाला नहीं है तो आप तो ये रास्ते पे गया? नहीं नहीं नहीं, बोलने वाले नहीं, बोलते थे, वालदा बोलते थे मेरे को, ऐसा नहीं है नहीं बोलते नहीं, मगर दोस्तों में बैठने की वजह से खाली किसी से मिले करे तो भी केसेस बुक हो जाते, केस बुक कर देते, या कोई इन्फ्लुएंस वाला आदमी केस बुक करा देता, ऐसा है। तो गायक भवन बोले तो पूरा तो डर लेते, डर के अरे उतना बड़ा आदमी बड़ा गैंगस्टर बोल बोलते नहीं, उसके नहीं, बारे नहीं, क्या? अयूब खान को ऐसा कोई गैंगस्टर बोल, बहुत कम लोग हैं बोलने वाले। क्या पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से गैंगस्टर हूँ मैं, पब्लिक के हिसाब से मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं, एक मैं सबकी मदद करता हूँ, मदद करना गैंगस्टर नहीं है ये। पूरा मदद करना बोलता आपके पास पैसा रहना, पता कैसा कैसा बिजनेस है मेरा, यहाँ पे भी अब एसी का बिजनेस करता हूँ मैं, फिदीज वगैरह, मेरा जिम है AK फिटनेस, उससे जो अमाउंट आता जितना अपने को लगता होता जितना हो सकता मैं मदद करता हूँ। कोई दोस्त है जैसा बिजनेसमैन, कोई कारोबार करने वाले दोस्त हैं, उन्हें भी फंडिंग करते हैं, पैसे देते अपने को, किसी की मदद करना है, किसी का इलाज कराना है, किसी का ऑपरेशन कराना है तो देते। आपका राइवल्स भी ज़्यादा है ना? राइवल्स नहीं नहीं, कोई नहीं है, दुश्मन नहीं है मेरा कोई भी। आपका अब तक 5 मर्डर केसेस है, वो से उसका बारे में क्या बोलना? कोई दुश्मन नहीं है मेरा कोई, मेरे केसेस एक्यूटल हो गए से ऑलरेडी। क्या कोर्ट जब एक्यूटल कर दिया तो कुछ ना कुछ वजह से करता ना केस एक्यूटल। वो तो आपका उस केस तो पूरा इक्वटे हो गया, बस खत्म हो गया। वो तो दूसरा केसेस है ना, ये पासपोर्ट का एक ही केस था। ज़्यादा एक्सटेंशन करते हैं अयूब खान बोल के बोलते? नहीं नहीं, सब गलत है। मैं कोई किसी को डराना धमकाना कोई उसूली वो सब गलत है। आपको कैसर का पूरा दुश्मन है आपका पास, उस कैसर का साथ दुश्मन चलता? नहीं नहीं नहीं, कैसर के साथ दुश्मन नहीं चलता, वो लोग आगे उनके उनके रिलेशन वाले आगे कंप्रोमाइज कर लेके गए थे, उसमें मेरे से नहीं, जिसके घर में डेट हुई थी उनकी फैमिली से मिल लेके गए लोग आके, वो उसकी जगह रहता मैं मेरी जगह रहता हूँ। पुलिस वाला बोलते आयुब खान का पास बहुत पैसा है, बहुत बहुत एसेट्स है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, है पैसा है, उतना पैसा है जो मेरी फैमिली पहले, उतना पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि हज़ारों करोड़ रुपये नहीं है, जो भी है मेरे को जो महीने को जो आमदनी आती वो है, उससे हटके कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा क्या करता है? पूरा बच्चा मेरा बड़ा बच्चा इंजीनियरिंग करे हुआ है, सेकंड बच्चा जो है मेरा BBA करे हुए है फाइनल, और इनसे छोटे जो है ला कर रही MJ कॉलेज में ला कर रहा बच्चा, उससे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आपका बच्चा का लाइफ कैसा रहना बोल के कैसा सोचते हैं? मेरा बच्चों का लाइफ अच्छा रहना बोल के हर माँ बाप की ये ख्वाहिश ये रहती है कि अपने बच्चों की लाइफ अच्छी होना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना, अच्छे से अच्छा वो करना, ये फील्ड से बिल्कुल दूर रहना, ये लोगों से भी दूर रहना बोल के मैं चाहता हूँ। तो कभी कभी ये फील्ड पर आप दूर है बस अच्छा है, मगर तो आपका बच्चों को कुछ कुछ ना कुछ बोलते हैं ना? जो मिलने वाले हैं मेरे बच्चों से मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोलता। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर ले सकते हैं, हर एरिया में पूछ ले सकते हैं,
मेरे तरफ से या किसी को प्रॉब्लम है, ना बस्ती में किसी को प्रॉब्लम है ना बाहर किसी को प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। वो ओल्ड सिटी में रहना बोले तो ज़्यादा का ज़्यादा पब्लिक तो गांजा सिगरेट वो तो पीना तो पट्टों के साथ पीना वो पूरा का ये केसेस में ज़्यादा रहता, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? पूरा तो आप हैदराबाद ओल्ड सिटी में फ़ायदा आए तो ओल्ड सिटी में जी जी उसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं हर नौजवान बच्चे से ये बोलता हूँ वो अपने घर में अच्छा रहे, एक्सरसाइज करे। अगर जो एजुकेशन आप अगर कॉलेज कर रहा या स्कूल को जा रहा बच्चा, वो कॉलेज में पढ़े, अच्छा से अच्छा एजुकेशन हासिल करे, अच्छा रहे। गांजा शराब ड्रग्स लेने से उसका पूरा फैमिली पूरा प्रॉब्लम में आया था, बहुत परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पे आजकल बहुत चल रहा गांजे का, उसका जो है पुलिस भी अब आजकल जो कमिश्नर साहब आए हुए हैं वो प्रेजिडेंट, उन्होंने गांजा और ड्रग्स के वास्ते बहुत सख्त कानून बना रहे हैं और उस लोगों को पकड़ के डाल रहे हैं भी जेल में। ये गांजा बेचने वाले जुआ, इसकी वजह से नौजवान बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं। तो पूरन का बच्चों को तो कुछ काउंसलिंग करने के लिए कुछ करते हैं आप? हाँ जी हाँ, मैं काउंसलिंग करने के ऐसे करता हूँ, हर बच्चों को बुला के समझाता हूँ क्या हालत है, गांजा नहीं पीना, शराब नहीं पीना, एक्सरसाइज करना, अपने फैमिली के साथ अच्छा रहना, अगर कोई जॉब करने वाला बच्चा है तो उसको टाइम पे जॉब पे जाना, ये हमसे जो हो सकता मेरे से कोशिश में वो करता हूँ। अब उसके आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी है, ऊपर वाला उनको सही रास्ते पे चलाना चाहे तो चलता है। वो तो इधर ही जो क्यों लाइफ जीना पड़ता है, वो जाके जुबलीज बंजर हिल्स कोंडापुर माधापुर पे जी सकते ना आप भी? वहाँ यहाँ से जाके जी सकते हैं, मगर अमन मेरे फादर मेरे पूरे सिस्टर मेरे ब्रादर्स पूरे यहीं रहते हैं आजू बाजू, अब इनको सबको छोड़ के वहाँ जाके रह नहीं सकते। तो पूरा की सिक्योरिटी रहता है? तो नहीं, सिक्योरिटी कोई जरूरी नहीं, मैं अकेला फिरता हूँ, मज़ा कुछ नहीं है। बट आपके ऊपर एक बार फायरिंग भी हुआ ना? नहीं 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 कुछ नहीं है, वैसा वैसा। वो तो अनुराग शर्मा था डीसीपी के टाइम पे, जब वो जमाने में जमाना जो पुलिस के तरफ से हुआ था वो। तो फाइनली क्या बोलना चाहते? वो तो जिंदगी कैसा गुजर सकते वो तो जिंदगी वो जिंदगी को भूल के अच्छी जिंदगी की तरफ जाना साहब, हमेशा हर आदमी अपनी जिंदगी की तरफ अच्छी तरफ जाना आदमी, अब बुरे कामों से दूर होते जाना अपन, दिन जैसा जैसा टाइम जाते जाता आपका अच्छे काम की तरफ जाना और लोगों को अच्छा मैसेज देना अपन, ये कि उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जिए, नौजवान जो बच्चे हैं जो रोडिज़म में आ रहे हैं जो फील्ड में आ रहे हैं उनको ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये फील्ड से दूर रहना, बिजनेस करना, अच्छा कारोबार करना बोल के ये बताना चाहिए, और मैं ये बताता हूँ लोगों को। जो आजकल तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, न तो पुलिस वाला कुछ काउंसलिंग कर रहे हैं, न तो कुछ ना डेवलपमेंट फॉर ज़्यादा हो रहे हैं उसमें, इसमें इशू पूरा का होल सिटी का पब्लिक तो अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या बोलते हैं? होना चाहिए सब जनों इन्वॉल्व होना काउंसलिंग के वास्ते, बस्ती के जो बड़े रहते हैं, असल मेन चीज़ ये है बस्ती के बड़े और अपनी फैमिली, अपने बच्चों को अगर उन्होंने अच्छा देख लिया, बच्चा रात में 10 बजे के बाद आया तो क्यों गया था, कहाँ गया था वो मालूम होना, बच्चा रात में चले जा रहा, गायब हो जा रहा, सुबह में आ रहा घर को, तो उन्हें सोसाइटी गलत मिलती है उसको, रात में जो भी सोसाइटी में फिरते शराब का पीना गांजा पीना ये कामों में जाते, या नींद के गोलियाँ आजकल नींद के गोलियाँ खा रहे हैं और कोरेक्स बोल के टॉनिक आती खांसी की वो पी रहे हैं बच्चे, वो पीने की वजह से उनका दिमाग का तौजन ख़राब हो जाता, ये सब चीज़ों से दूर रहने के वजह से उनके माँ बाप बोलना है सर। तो ओल्ड सिटी का लाइफ पूरा रात में चलता रहता है ना? जी हाँ, रात में यहाँ पे बहुत पहले नहीं था, अब हो गया, ये नया सिस्टम आ गया ये 10-15 साल से, रात में आप जाके देखो होटल खुले दुकान खुले, उसकी वजह से बच्चे पूरे वहाँ बैठते गांजा पीते शराब पीते पी के आगे गड़बड़ी करते, एक छोटे केस में अगर उन्हें जेल को चले गया तो उसका पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता। मैं ये बोलता हूँ नौजवान बच्चों से कि सो बाहर रहे अच्छा रहे, ये रातों में नहीं जगना, घर में रहना अपने टाइम पे, अपना जो बिजनेस है बिजनेस देखना, अगर पढ़ने वाले बच्चे तो उन्हें अच्छा स्टडी करना ट्यूशन पढ़ना, उसके वजह से बेहतर रहता। यह रोडिज़म में कुछ भी नहीं है, रोडिज़म में खाली परेशानी अपनी फैमिली को परेशानी, अब अगर शादीशुदा है तो उनके बच्चों के वजह से प्रॉब्लम, ये है परेशानी। ठीक है, द बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू। गैंगस्टर आयुब खान ఇప్పుడు తాను పూర్తిగా మారిపోయానని చెప్తున్నాడు, అంతేకాకుండా తన సాధారణ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ యువత చెడిపోతుంది, వాళ్ళని మార్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా గ్యాంగ్స్టర్ అనే పేరు వినడానికి బాగుంటుంది కానీ రియల్ లైఫ్లో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, చాలా నష్టాలు ఉంటాయి, ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది, పిల్లలు మొత్తం కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి జీవితం నాకొద్దు, ఇక మీద చాలా సాధారణమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాను, చేస్తూనే ఉన్నాను, తన బిజినెస్లు కావచ్చు మిగతా ఏమైనా చేసుకొని ఇక్కడే జీవిస్తానని కూడా చెప్తున్నారు. ఇది ఇవాళ క్రైమ్ ఇన్సైడ్. మరో క్రైమ్ ఇన్సైడ్ మళ్ళీ కలుద్దాం.